नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका खबरें वॉर जोन से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंचती नजर आ रही है। जब से अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की इजाजत दी है, तभी से रूस बेहद आक्रामक है। उसने दो दिन पहले जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था, अब राष्ट्रपति पुतिन उसके प्रोडक्शन को तेज करने का आदेश जारी कर चुके हैं। इन सबके बीच बड़ा खुलासा यह हुआ है कि रूस यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने के प्लान पर अब काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। रूस के तेवर अब कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। वो अब यूक्रेन के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिससे ये कयास लगने लगे हैं कि अब इस मोर्चे पर विनाश की नई पटकथा लिखी जाने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देकर जंग को और भड़का दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को चढ़ाकर बाइडेन गलती कर बैठे हैं। अब रूस यूक्रेन को तबाह किए बगैर मानने वाला नहीं है। सवाल ये कि आखिर अब पुतिन के मन में क्या चल रहा है। पुतिन ने बढ़ाई पश्चिम की टेंशन। तीन टुकड़ों में टूट जाएगा यूक्रेन। रूस ने 22 नवंबर को यूक्रेन पर बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से हमला किया। यूक्रेन जंग में पहली बार रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराया नहीं जा सकता। अब तो उन्होंने इस मिसाइल के सीरियल उत्पादन की शुरुआत का आदेश जारी कर दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। पुतिन की खौफनाक प्लानिंग की ओर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने इशारा किया है। रूस में तैयार किए गए एक विशेष दस्तावेज के विवरण का खुलासा करते हुए यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने कहा है कि रूस यूक्रेन को तीन टुकड़ों में बांटने की फिराक में है। एक शक्तिशाली आर्थिक, जनसांख्यिकीय, क्षेत्रीय और सैन्य क्षमता के लिए पुतिन को पूरे यूक्रेन की जरूरत है। हमारे देश पर पूर्ण कब्जा रूसी संघ का रणनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। ऐसा करके वो यूक्रेन के तीन टुकड़े करने की फिराक में है। जिस तरह से रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया और फिर रूसी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया कि वो मिसाइल का उत्पादन तेज करने जा रहे हैं। आज दुनिया में ऐसी मिसाइल का कोई जवाबी उपाय नहीं है। इसे रोकने का कोई साधन नहीं है। हम इसलिए टेस्ट सिस्टम का टेस्ट जारी रखेंगे। इसका सीरियल उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ये फैसला लिया जा चुका है। पुतिन के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि रूस यूक्रेन में विनाश की पटकथा लिखकर उस पर कब्जा करने और फिर उसे तीन टुकड़ों में बांटने के प्लान पर कदम आगे बढ़ा चुका है।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। रूस के ताजा हमले का ये वीडियो देखिए। रूस के कुराकोवा इलाके में थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया। इस प्लांट पर रूस ने बम बरसाए। देखिए हमले के बाद कैसे पूरा प्लांट धमाकों की आवाज से दहल गया। पूरा प्लांट धुएं की आगोश में समा गया। पुतिन यूक्रेन में तबाही के इन हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को खत्म रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। हमने हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों से सभी विवादों को सुलझाना पसंद किया है और अब भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता कर लेंगे। इस बीच यूक्रेन की ओर से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जांच पूरी कर ली गई जो रूस ने बीती 22 नवंबर को यूक्रेन के दिप्रो शहर पर दागी थी। जांच में पता चला है कि मिसाइल की स्पीड 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अस्त्रखान से दिप्रो तक पहुंचने में मिसाइल को महज 15 मिनट लगे थे। मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस थी। इस मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि यूक्रेन में महाविनाश। पुतिन ने तो उन देशों पर भी हमले की धमकी दे डाली है जो यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार मुहैया करा रहे हैं। पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों में खौफ पसर गया है। यूक्रेन और नाटो के बीच 26 नवंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी मिसाइल के खतरों के बीच अमेरिका से उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड मांगा है। जेलेंस्की ने कहा है कि निप्रो शहर पर रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ये बताता है कि वो युद्ध को और गंभीर करना चाहता है, लिहाजा उसके हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आप खबरें वॉर जोन से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंचती नजर आ रही है। जब से अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की इजाजत दी है तभी से रूस बेहद आक्रामक है। उसने दो दिन पहले जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था अब राष्ट्रपति पुतिन उसके प्रोडक्शन को तेज करने का आदेश जारी कर चुके हैं। इन सबके बीच बड़ा खुलासा यह हुआ है कि रूस यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने के प्लान पर अब काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। रूस के तेवर अब कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। वो अब यूक्रेन के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिससे ये कयास लगने लगे हैं कि अब इस मोर्चे पर विनाश की नई पटकथा लिखी जाने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देकर जंग को और भड़का दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को चढ़ाकर बाइडेन गलती कर बैठे हैं। अब रूस यूक्रेन को तबाह किए बगैर मानने वाला नहीं है। सवाल ये कि आखिर अब पुतिन के मन में क्या चल रहा है। पुतिन ने बढ़ाई पश्चिम की टेंशन।
में टूट जाएगा यूक्रेन। रूस ने 22 नवंबर को यूक्रेन पर बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से हमला किया। यूक्रेन जंग में पहली बार रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराया नहीं जा सकता। अब तो उन्होंने इस मिसाइल के सीरियल उत्पादन की शुरुआत का आदेश जारी कर दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। पुतिन की खौफनाक प्लानिंग की ओर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने इशारा किया है। रूस में तैयार किए गए एक विशेष दस्तावेज के विवरण का खुलासा करते हुए यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने कहा है कि रूस यूक्रेन को तीन टुकड़ों में बांटने की फिराक में है। एक शक्तिशाली आर्थिक, जनसांख्यिकीय, क्षेत्रीय और सैन्य क्षमता के लिए पुतिन को पूरे यूक्रेन की जरूरत है। हमारे देश पर पूर्ण कब्जा रूसी संघ का रणनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। ऐसा करके वो यूक्रेन के तीन टुकड़े करने की फिराक में है। जिस तरह से रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया और फिर रूसी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया कि वो मिसाइल का उत्पादन तेज करने जा रहे हैं। आज दुनिया में ऐसी मिसाइल का कोई जवाबी उपाय नहीं है। इसे रोकने का कोई साधन नहीं है। हम इसलिए टेस्ट सिस्टम का टेस्ट जारी रखेंगे। इसका सीरियल उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ये फैसला लिया जा चुका है। पुतिन के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि रूस यूक्रेन में विनाश की पटकथा लिखकर उस पर कब्जा करने और फिर उसे तीन टुकड़ों में बांटने के प्लान पर कदम आगे बढ़ा चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। रूस के ताजा हमले का ये वीडियो देखिए। रूस के कुराकोवा इलाके में थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया। इस प्लांट पर रूस ने बम बरसाए। देखिए हमले के बाद कैसे पूरा प्लांट धमाकों की आवाज से दहल गया। पूरा प्लांट धुएं की आगोश में समा गया। पुतिन यूक्रेन में तबाही के इन हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को खत्म रूस ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। हमने हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों से सभी विवादों को सुलझाना पसंद किया है और अब भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता कर लेंगे। इस बीच यूक्रेन की ओर से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जांच पूरी कर ली गई, जो रूस ने बीती 22 नवंबर को यूक्रेन के दिप्रो शहर पर दागी थी। जांच में पता चला है कि मिसाइल की स्पीड 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अस्त्रखान से दिप्रो तक पहुंचने में मिसाइल को महज 15 मिनट लगे थे। मिसाइल 6 वॉरहेड से लैस थी। इस मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि यूक्रेन में महाविनाश। पुतिन ने तो उन देशों पर भी हमले की धमकी दे डाली है जो यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार मुहैया करा रहे हैं। पुतिन के इस बयान के बाद पश्चिमी देशों में खौफ पसर गया है। यूक्रेन और नाटो के बीच 26 नवंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी मिसाइल के खतरों के बीच अमेरिका से उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड मांगा है। जेलेंस्की ने कहा है कि निप्रो शहर पर रूस की नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ये बताता है कि वो युद्ध को और गंभीर करना चाहता है, लिहाजा उसके हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।